साउथ सिनेमा की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना जल्द ही बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में नजर आएंगी। इस फिल्म को लेकर के फैंस में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। इसी बीच अब एनिमल से रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक शेयर कर दिया गया। आपको बता दें कि साथ ही फिल्म में रश्मिका के किरदार को लेकर के भी पर्दा उठा दिया गया। इतना ही नहीं, बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म एनिमल हर कोई बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। वहीं डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी एनिमल को लेकर के फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा। हाल ही में इस मूवी से रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फर्स्ट लुक वाला पोस्टर रिवील किया गया। वहीं अब इस कड़ी में अगला नाम साउथ सुपरस्टार रश्मिका मंदाना का जोड़ दीजिए। अक्षय कुमार की गिनती बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में होती है जिन्होंने कॉमेडी, सीरियस और एक्शन हर तरह के फिल्म में अपना दमखम दिखाया है। उनकी फिल्मों में अधिकतर कोई ना कोई संदेश या सच्चाई दिखाई जाती है, जिसे देखने वाले उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ओ माई गॉड 2 के बाद वो अब इस साल मिशन रानीगंज लेकर के आए हैं। फिल्म की ट्रेलर रिलीज डेट आउट हो चुकी है। वही आपको बता दें कि मिशन रानीगंज का ट्रेलर 25 सितंबर को रिलीज किया जाएगा और पूरी फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसके साथ ही मिशन रानीगंज कोल माइन एक्सीडेंट पर आधारित कहानी है जिसने देश और दुनिया को सदमे में डाल दिया था। फिल्म में 1989 में हुए कोल हादसे को दिखाया जाएगा। साउथ सुपरस्टार विजय थलापति की आने वाली फिल्म लियो का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा, लेकिन रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर के बवाल मच गया है। आलम ये हो गया है कि ट्विटर पर विजय की लियो को लेकर के हैशटैग केरल बॉयकॉट लियो शुरू हो गया है। वही ट्विटर पर केरल बॉयकॉट ट्रेंड की चर्चा हर तरफ हो रही है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल उमड़ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जो विजय की फिल्म का बहिष्कार किया जा रहा है उसको लेकर के खबर आ रही है कि ट्विटर ट्रेंड के आधार पर कहा जा रहा है कि विजय थलापति के फैंस ने बिना किसी कारण के केरल फिल्म इंडस्ट्री और साउथ के दिग्गज कलाकार मोहनलाल को टारगेट किया, जिसके चलते विजय के फैंस ने मोहनलाल के बारे में गलत शब्द भी कहे। हालांकि इस मामले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ट्विटर ट्रेंड इस बात का दावा कर रहा। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। हर किसी की जुबान पर परिणीति को दुल्हनिया बनते हुए देखने का क्रेज बरकरार है। इसी के साथ ही एक्ट्रेस की शादी के लिए एक एक कर मेहमान उदयपुर पहुंच रहे हैं। बता दें कि राघव और परिणीति की शादी में राजनीति से जुड़ी तमाम हस्तियां शामिल होंगी। इसी के साथ ही बॉलीवुड के सितारों का भी शादी समारोह में जमावड़ा देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा स्पिरिचुअल लीडर बीके शिवानी भी इस शादी का हिस्सा होंगी। वो उदयपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर बीके शिवानी का वीडियो भी सामने आया है। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और अब जो बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए।